हाँ सर, कैसी लगी मूवी? टू स्टार। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे क्या उसका आचार्य, गणेश आचार्य। स्टोरी लाइन बकवास। हाँ सर, कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? मैं देख के आ रहा हूँ देहाती डिस्को। कैसी लगी सर आपको पिक्चर? मैंने जितनी भी देखी मुझे ठीक ठाक ही लगी। जैसे गणेश आचार्य जी का पहला प्रयास है, डेब्यू है, तो ठीक ही काम करा है। गणेश आचार्य जी ने इस मूवी की कहानी लिखी है, तो क्या लग रहा है आपको कि कैसी कहानी है? कहानी ठीक है, गानों के हिसाब से अपनी उन्होंने दिखाया है, पिता पुत्र का रिलेशन दिखाया है और पुरानी जो कुरीतियाँ हैं डांस के बारे में। डांस करना पहले समय में जो है बुरा माना जाता था, उसको लेकर उन्होंने दिखाया है। गाने कैसे लगे आपको इस पिक्चर के? गाने ठीक हैं, अच्छे हैं, डांस अच्छा लगा गानों को। और इस पिक्चर से आपको क्या संदेश मिला? संदेश तो यही मिला कि भाई जो मन में हो वो करो, डांस आता है तो करो, और तो संदेश यही है, बाकी किसी की मत सुनो। रवि किशन जी आए हैं पर्दे पे इतने समय बाद, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, जितना भी काम करा उन्होंने जो है रवि किशन जी ने, उनके भाई बन के जितना उनके हिस्से में आया बहुत अच्छा किया। कितने स्टार देना चाहेंगे अंत में? मैं तो 4 स्टार देना चाहूँगा। हाँ सर, कैसी लगी पिक्चर? ठीक ठाक है, मतलब बहुत हाई बजट की तो नहीं है इसलिए एक, पर कुल मिलाकर के डांस के लिए सपोर्टिव फिल्म है। और हमारे जो कस्बों और गाँव में जो डांस का जो एक, उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनना चाहिए। इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो गणेश आचार्य जी ने लिखी है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, स्टोरी लाइन अच्छी है, मैं कह रहा हूँ मेकिंग में थोड़ा सा और बेहतर होती है। अगर ये मेकिंग जो है थोड़ा बिल्कुल रूरल, इसके कारण से एक जो मेट्रोपोलिस के दर्शक शायद उसको उतना पसंद न करें, पर जो कस्बे हैं या गांव में हैं उसको लोग पसंद करेंगे। तो स्टोरी लाइन ठीक है, लेकिन मेकिंग अगर और इसकी बेहतर हो सकती थी। गाने कैसे लगे? हैं, गाने भी ठीक हैं, अघोरा हो वाला गाना बहुत अच्छा है। कितने स्टार देना चाहेंगे? अब इसके बारे में अभी नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया। नमस्कार अंकल जी, कैसी लगी पिक्चर? साधारण फिल्म है, पुराना विषय है, संगीत को डांस के लोग पसंद करते हैं उनको पसंद आएगी ऐसी फिल्म। गणेश आचार्य जी ने इसकी कहानी लिखी है, तो क्या कहना चाहिए? मेहनत की है लेकिन फिल्म थोड़ी कमज़ोर लगती है। और जो छोटा बच्चा है सक्षम, छोटे स्टेशनों पर फिल्म चलेगी मेरे हिसाब से। और कितने स्टार देना चाहेंगे अंकल? 2, 5 में 2। ठीक है अंकल, थैंक यू। हाँ सर, कौन सी मूवी देख के आए हो? मैं देहाती डिस्को देख के आया हूँ। कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक ठाक थी, मेरे ख्याल से स्टोरी और डायरेक्शन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अगर हम बात करेंगे एक्टिंग की, तो गणेश आचार्य जी की एक्टिंग थोड़ी सी कम लगी, मतलब उनकी अगर कोरियोग्राफी और डांसिंग की बात करें तो वो 10 में से 10 थे, लेकिन एक्टिंग जहाँ पे थी एक्टिंग थोड़ी सी मेरे को कम लगी उनकी। रवि किशन जी की एक्टिंग कैसी लगी? रवि किशन जी की एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, मतलब एक सीन था जिसमें वो दोनों फाइटिंग आती है तो वो एक डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग तो मेरे को याद नहीं लेकिन वो डायलॉग बहुत बढ़िया था और एक्टिंग तो उनकी अच्छी है ही। खैर, वो जो छोटा लड़का है उसकी एक्टिंग कैसी लगी? छोटा लड़का बढ़िया था, उसका डांस स्टेप्स और परफॉर्मेंस दोनों बढ़िया थी। और मैं ये बोलूँगा कि गणेश आचार्य जी की एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी उस छोटे बच्चे की एक्टिंग थी। मूवी के गाने कैसे लगे? गाने बहुत सारे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर हो गया गाने से अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन जो लास्ट वाला सॉन्ग था महादेव के ऊपर वो बहुत बढ़िया था। और गाने थोड़े कम होते तो और अच्छा लगता, लेकिन गाने अच्छे थे जितने भी थे, जो लास्ट वाला था वो काफ़ी अच्छा था। क्या प्लस पॉइंट्स थे इस मूवी के और क्या माइनस पॉइंट्स थे आपकी नज़र में? देखिए, माइनस पॉइंट्स मेरे ख्याल से तो ये था कि जो एडिटिंग हुई है मूवी की, उसमें कलर ग्रेडिंग येलो कलर का थोड़ा ज़्यादा कर दिया। और प्लस पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो इससे एक हमें सोशल मैसेज ये मिल रहा है कि देहाती डिस्को, मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन डांस फॉर्म्स है, वो किसी वेस्टर्न डांस फॉर्म से कम नहीं है। मतलब हमारा जो इंडियन डांस फॉर्म है वो एक यूनिक है, उसमें हमारे इंडियन डांस फॉर्म में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे डांस फॉर्म आते हैं, भरतनाट्यम, कथक, भांगड़ा, बहुत सारे हैं। तो अपने डांस फॉर्म्स को किसी से भी कम मत समझो, वेस्टर्न और इंडिया, तो मेरे ख्याल से इंडियन में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है, इतनी वेस्टर्न में भी नहीं है। कितने स्टार देना चाहेंगे मूवी को? मैं 3.5। धन्यवाद। हाँ सर, कौन सी मूवी देख के आए हैं? देहाती डिस्को। कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी मूवी लगी, गणेश आचार्य का किरदार अच्छा लगा, बच्चे का भी अच्छा किरदार लगा, गाने भी ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक ठाक था फिल्म के अंदर। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे अच्छी एक्टिंग बच्चे की लगी। गणेश आचार्य जी ने इस मूवी की कहानी लिखी है, तो कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहानी ठीक लगी, अच्छी कहानी। किस टाइप की ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए? देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है, क्या सबको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ये क्या रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को?
मैं 3 रेटिंग देना चाहूँगा। धन्यवाद। मूवी देख के आए आप? देहाती जिसको। कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी लगी मुझे। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे अच्छी एक्टिंग किसका बोला जैसे, मतलब कि बहुत ऐसे एक्टर हैं जो उनकी एक्टिंग अच्छी है। हाँ, अगर आप गणेश अचार्य की एक्टिंग पूछना चाहते हो तो वो कोरियोग्राफर अच्छे हैं। एक्टिंग में थोड़ा वो मुझे डाउन लगी, क्योंकि उनकी जो पिच थी ऑडियो की, वो ये मतलब इमोशनल पे भी सेम लगी मुझे, और एंग्री पे भी सेम लगी, और नॉर्मल बात करने पे सेम लगी, वो थोड़ी मुझे वो कमी लगी। बाकी मूवी अच्छी लगी मुझे, स्टोरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कहानी कैसे लगे मूवी की? कहानी अच्छा है, स्टोरी। और एक चीज़ और उसमें थोड़ा कमी लगी मुझे कि मतलब गाना जो है, डांस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। हाँ, गाने पे है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम रहना चाहिए था। आपको क्या सोशल मैसेज मिला इस मूवी से? कोई मैसेज आपको मिला हो? मैसेज तो पूरी मूवी मैसेज से ही भरी हुई है। मतलब कि आप जो भी सीन देखो, जब उनको घर से निकाला जाता है, गांव से निकाला जाता है, या फिर वापस आता है, तो यही दिखाया गया है उसमें कि आप चाहे कितने भी ऊपर उठ जाओ, आप हम जो जिस रूट से आप उठे हो वो नहीं भूलना चाहिए। कितने स्टार देना चाहेंगे अंत में? 4.5। हाँ मैम, कौन सी मूवी देख के आए आप? देहाती डिस्को। कैसी लगी मूवी आपको? ठीक ही ठाक है। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सक्षम, जो छोटा बच्चा है उसकी। मूवी के गाने कैसे लगे? हर 2 मिनट के बाद तो गाने ही गाने थे, ठीक थे। गणेश आचार्य जी ने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, लेकिन ये जो फिल्म है वो ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी फिल्म होती है ना, उस टाइप की, मिलती जुलती वैसी। क्या स्क्रीन प्ले वगैरह, डायलॉग्स और इमोशंस, कभी ऐसा लग रहा है कि वो कभी खुशी कभी गम का वो सीन दिख रहा है बाप बेटे के बीच में, कभी करण अर्जुन का वो सीन दिख रहा है दो भाइयों के बीच में, तो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक है। क्या सोशल मैसेज मिला आपको इस मूवी से? सोशल मैसेज ये मिला कि अपना कल्चर सबसे पहले। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 3। अच्छी है, ठीक ठीक है। गणेश आचार्य जी का जो स्क्रिप्ट है वो कैसा लगा? उनका और बहुत सा एक्टिंग में थोड़ी कमी है, अदरवाइज उन्होंने अच्छा किया है, कोशिश की एक्टिंग करने की। और जो छोटा बच्चा है उसकी एक्टिंग ऑसम है, तो डांस उसने बहुत अच्छा किया है उन्होंने। कितने स्टार देना चाहिए? मैं 3 स्टार देता हूं, 2.5 से 3। हाँ सर, कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? सही है। हाँ सर, कैसी लगी पिक्चर? मूवी बहुत बढ़िया है, और जो स्टार्टिंग का जो स्लॉटिंग है वो प्लस पॉइंट ये पकड़ता है। थोड़ा सा जो रूपरेखा बनाई है वो मंदिर के ऊपर बनाई है, और जो एंडिंग जो है बहुत मस्त है। इससे मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी सीखना चाहिए। और जो धर्म आचार्य की बात करी जाए, गणेश जो इसमें एज इट इज़ जो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर, उनकी एक्टिंग थोड़ी देखने लायक है। क्योंकि जो डांस टीचर होता है, अगर वो एक्टिंग कर रहा है पहली बार, तो उसको भी सराहना चाहिए। रवि किशन जी की एक्टिंग कैसी लगी? रवि किशन जी के बारे में क्या कहूँ, उनका तो एक ही डायलॉग रहता है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। बहुत बढ़िया काम करा रवि किशन जी ने भी। क्या मैसेज मिला आपको इस मूवी से? देखिए, मैसेज इसमें ये लगा है मेरे को कि हर चीज़ का पहलू होता है, उसे भी समझना चाहिए, ये मेन मस्ट है। अंत में आगे कितने स्टार देंगे? स्टार के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मूवी जो है बहुत बढ़िया है, 2 स्टार मेरी तरफ से है। जब बच्चे इसको देखेंगे तो समझ लीजिए कि बच्चे खुद ही इसको बताएंगे कि इसको कितने स्टार देने चाहिए, लेकिन बच्चों को देखने लायक ही है। कैसी लगी सर मूवी? सर अच्छी थी, डांस के ऊपर बहुत अच्छी थी। गणेश आचार्य जी ने इसकी कहानी लिखी है, कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहानी बहुत अच्छी है, और जो देशभक्ति है वो भी बहुत अच्छी दिखाई है इसके। और मूवी के गाने कैसे लगे? बहुत जबरदस्त, बम बम भोले। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? गणेश आचार्य जी की। और रवि किशन जी आए हैं पर्दे पे, बेस्ट। कितने स्टार दोगे? 5। कैसी लगी एक्टिंग? बहुत बढ़िया, बच्चे की एक्टिंग, जो छोटा वाला था ना उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या मैसेज मिला इस मूवी से आपको? डांस वगैरह, मतलब किसी को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि मैं बाहर से आया हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। उसने छोटे ने गांव में रह के इतना अच्छा डांस कर दिया, ये देखने लायक है। आपको इस मूवी से क्या संदेश मिला? किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, जैसे उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ से सीख के आया हूँ तो मैं हरा सकता हूँ, यही सब बस, और कुछ नहीं। हमारे देखने लायक है, मतलब इसमें कोई ऐसा सीन भी नहीं है जो बच्चों के लिए सही ना हो। बहुत अच्छी मूवी है। 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से मैं तो 5 दूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और घंटे को नहीं दबाया तो घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आपने घंटे को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। दबा दिया, बहुत बढ़िया किया।